नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ टैरो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहली बात तो एक छोटा सा एक अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। आर्ट एंड टैरो अब जो है आर्ट ऑफ टैरो हो गया है। सो दोनों का आप देख सकते हैं लोगो भी चेंज हो गया है, सिर्फ एक डिफरेंस एंड के बजाय जो है ऑफ हो गया है। और रीज़न देखा जाए तो सिंपल एक छोटा सा है, वो ये कि अब बीच में जो है एक कंटिन्यूएशन है। अब आर्ट ऑफ टैरो, अब आर्ट एंड टैरो नहीं रहा, अब दो चीज़ें नहीं रही, अब एक चीज़ हो गई है। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट फोकस ओनली ऑन टैरो। तो आइए शुरू करते हैं आज का 11th एपिसोड ओशो ज़ेन टैरो का। 11th कार्ड जो ओशो ज़ेन टैरो का है वो है द कार्ड ऑफ चेंज। और 11th कार्ड राइडर वेट का जो है वो भी चेंज का ही है, जिसको हम कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। तो थोड़ा सा पहले व्हील ऑफ फॉर्चून को समझेंगे। राइडर वेट के व्हील ऑफ फॉर्चून हमें मैसेज देता है चेंज का। वो हमें मैसेज देता है कि दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कि कभी दुख है, कभी सुख है, कभी प्रॉब्लम्स हैं तो कभी खुशियां हैं, कभी आप ऊपर कभी आप नीचे। तो आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर जो है एक डेविल भी है, साथ में सेंट भी है। और मोटा मोटा उसके अंदर आपको जो है ये बताया जा रहा है कि दैट नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो जब हम संसार की बात करते हैं तो हम इस व्हील की बात कर रहे हैं। और जब हम इस व्हील के साथ जुड़े हुए हैं उसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पे आप कुछ भी आप अचीव कर लें, कुछ भी हो जाए, वहाँ पे आप कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आप परमानेंट हो गए वहाँ, कि अब ऐसा ही स्थिति रहेगी। तो जब तक आप इस संसार के चक्र के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका इस चक्र के साथ घूमना जो है पक्का है। क्योंकि अगर हम चक्र वर्ड को देखें तो चक्र का मतलब ही यही है कि जो घूम रहा है, जो कि रुका हुआ नहीं है। अब हम बात करेंगे दी 11th कार्ड ऑफ ओशो ज़ेन टैरो, जिसका नाम है चेंज। तो ऑलमोस्ट बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों के अंदर। वो भी चेंज की बात कर रहा है, ये भी चेंज की बात कर रहा है। तो जब हम ओशो ज़ेन टैरो की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है और गहराई आ जाती है, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाती है, थोड़ी और डेप्थ आ जाती है। तो जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो उसके अंदर जो है आपको सारे एस्पेक्ट्स उसमें दिखते हैं, जिसमें समय, भविष्य और कर्म तीनों कहीं ना कहीं आपको उस चक्र में दिख जाते हैं। तो जब आप इसको देख रहे हैं इस कार्ड को, तो इस कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारे के सारे 12 एस्ट्रोलॉजिकल साइंस आपको दिखते हैं। और इसमें जो है आई चिंग के 8 ट्राइग्राम्स भी आपको दिखते हैं। और बिल्कुल इन द मिडल जो है देयर इज अ यिन एंड यांग सिंबल। तो जिसका गहरा अर्थ यही है कि संसार जो भी यहाँ पे हो रहा है, जो भी चल रहा है, ये दो का खेल है, ये दो अपोजिट एनर्जीज का खेल है। इस दो के कारण जो है पूरा का पूरा ये संसार चलता है। और ये जो हम दो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये दो हैं मेल एंड फीमेल एनर्जीज, यिन एंड यांग, डार्कनेस एंड लाइट। तो सारा संसार का खेल यही है कि इसके बीच में, बिल्कुल बीच में जो सत्य है, सारी की सारी यात्रा यही है कि कैसे हम जो है इस सर्कल के पेरिफेरी में से गुजर के हम बिल्कुल बीच में पहुंच जाए। और एक ऐसा व्हील जो हर वक्त चेंज हो रहा है, जो कभी नहीं रुक रहा है, एक अनचेंजिंग फैक्ट है। तो एक ऐसा व्हील जो कि हर वक्त चेंज हो रहा है, देखा जाए तो एक सबसे बड़ा सत्य है। और कहा जा और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक ही चीज़ है जो चेंज नहीं होती, वो है व्हील का घूमना, कि लाइक कि दैट नथिंग इज परमानेंट। तो अगर जीवन की बात करें, वो कंटिन्यूसली वो इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, मर रहा है और अगेन वो रिबॉर्न हो रहा है। और इस सब के अंदर जो है अपोजिट एनर्जीज जो है वो प्ले करती है, यिन एंड यांग, प्रकाश और अंधेरा, वो इसके अंदर जो है पार्ट प्ले करते हैं इस सब खेल के अंदर। तो जब हम सर्कल को देख रहे हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि जितना ज़्यादा आप जो है आउटर सर्कल के अंदर हैं, जितने ज़्यादा जो है आप पेरिफेरी पे हैं, उतना ज़्यादा जो है लाइफ विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, उतने ज़्यादा जो है आप संसार में होंगे, उतने ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है डस्ट आप कह सकते हैं आपको लगेगी। अगर हम बात करें पवित्रता की, अगर हम बात करें प्योरिटी की, तो जितना आप अंदर सर्कल के अंदर जाते रहेंगे, उसके सेंटर पे जाते रहेंगे, वहाँ पे जो है एक स्टिलनेस आपको जो है मिलनी शुरू हो जाती है। अगर हम व्हील को देखें तो व्हील का सारा चक्र जो है घूमता है, लेकिन अगर उसका सेंटर देखें तो वो एक ऐसा सेंटर है जो कि मूव नहीं करता, जो कि उसको अपने आप में स्टिल रहना पड़ता है, तब भी उसी के कारण जो है वो व्हील घूम पाता है।
तो ये भी व्हील कुछ ऐसा ही है जो इंडिकेशन देता है कि अगर आप इस व्हील के साथ, इस संसार के व्हील के साथ जुड़े रहेंगे तो चक्कर काटते रहेंगे और आपकी लाइफ में जो है कभी भी स्थिरता नहीं आएगी। लेकिन अगर हम उस स्थिरता की बात कर रहे हैं, अगर ध्यान की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उस चक्र से धीरे धीरे आप भीतर आना शुरू कर दें, उस मिडिल पॉइंट में आना शुरू कर दें जहाँ पे एक स्थिरता है, जहाँ पे यिन एंड यांग का मिलन हुआ, जहाँ पे दोनों अपोजिट एनर्जीज जो है फाइनली आके मिल रही है, जिसको हम अर्थ नारेश्वर भी बोलते हैं, जिसको हम राधा और कृष्ण का मिलन भी बोलते हैं। यहाँ पे ओशो कहते हैं कि जितना आप माइंडलेस है, जितना आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, उतना जो है आप जो है गोल 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 चक्कर काटते रहेंगे जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस आनी शुरू होती है, जैसे जैसे आप माइंडफुल होना शुरू हो जाते हैं, अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं, उतना ज़्यादा जो है आपका जो चक्र जो घूम रहा है वो शांत होता रहेगा और धीरे 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 आके रुक जाएगा। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि ये सब चीज़ें जो हैं हम इतना कर चुके हैं, इतना जी चुके हैं कि हमें इस पैटर्न को तोड़ना इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, स्पिरिचुअलिटी हमें सिर्फ यही सिखाती है, गहरा जो मैसेज है स्पिरिचुअलिटी का वो यही मैसेज है कि कैसे हम इस पैटर्न को तोड़ दें, इस कंडीशनिंग को तोड़ दें जो कि हम कैरी कर रहे हैं, जो कि हमारे कर्मा के कारण जो है वो क्रिएट हो गया। एक स्पिरिचुअल आदमी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे अपने ऊपर काम करके वो अपने कर्म को जला देता है, अपने जो कर्म के जो सीड्स हैं, उसकी जो कंडीशनिंग है, उसका जो पैटर्न है, उसको बर्न कर देता है। और जैसे जैसे उसको वो बर्न करता रहता है, वो ही स्टार्ट बिकमिंग फ्री, ही स्टार्ट बिकमिंग मोर अवेलेबल टू लाइफ। और लाइफ के लिए आप तभी अवेलेबल हो पाएंगे जब आपकी जो जो पैटर्न है उसको आप तोड़ना शुरू कर दें, उस कर्म से जो है मुक्त होना शुरू कर दें। तो कर्म से मुक्त होने का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। जब तक आप इस संसार में हैं कर्म तो आपके साथ रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आप इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने ऊपर जो है एक जो एक बर्डन जो आपने अपने ऊपर जो है माइंडलेसली जो क्रिएट कर रहा है उसको जो है उसके प्रति कॉन्शियस होके यू स्टार्ट चूजिंग योर कर्मा इन अ वेरी कॉन्शियस वे, यू स्टार्ट बिकमिंग माइंडफुल, यू आर एबल टू सी एवरीथिंग कि वॉट यू आर चूजिंग फॉर योर सेल्फ। अब कर्म जो है वो बंधन नहीं रहा, अब कर्म जो है वो आपको मुक्ति देगा, अब कर्म आपको पकड़ेगा नहीं, अब कर्म जो है आपको जो आप होना चाहते हैं वो आप हो सकेंगे। इससे पहले कर्म की बाउंडेशन थी, इससे पहले जो है एक वो जो सर्कल में वो जो आप घुसे हुए थे उसकी बाउंडेशन, जो हमारा जो तिरंगा है उसके बीच में जो चक्र है वो भी अपने आप में यही सिंबल है, वो बुद्ध का दिया हुआ सिंबल है जीवन और मृत्यु का, कि जीवन और मृत्यु जो है बार बार रिपीट हो जाती है। आप बार बार उन्हीं चक्रों में, बुरी उन्हीं सब चीजों में बार बार जो है गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कॉन्शियसनेस नहीं आई। तो पर्पस आपका यही होना चाहिए आपकी लाइफ का कि दैट यू शुड बी एबल टू इवॉल्व, यू शुड बी एबल टू ग्रो, नॉट दैट यू शुड रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो जैसे जैसे आप जो है उसके उस पैटर्न के प्रति, उस कंडीशनिंग के प्रति अवेयर होना शुरू होते हैं, आप जो है यू स्टार्ट कमिंग इनटू द स्टिलनेस एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग व्हाट लाइफ इज। उससे पहले देयर वर ऑल डिस्ट्रैक्शन, द एनर्जी वाज ऑल स्कैटर्ड, बट नाउ द एनर्जी स्टार्ट्स कमिंग बैक टू यू, यू स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर एंड मोर स्ट्रांग इनटू योर ओन सेल्फ। देयर आर सम ब्यूटीफुल लाइंस बाय परमहंस योगानंदा, आई वुड लाइक टू रीड देम टू यू। What he says about change, he says, let my soul smile through my heart smile through my eyes, that I may scatter rich smiles in sad hearts. Since you alone are responsible for your thoughts, only you can change them. You will want to change them when you realize that each thought creates according to its own nature. So these were the words of Paramahansa Yogananda ji. Aur ghehre mein har स्पिरिचुअल मास्टर का एक ही मैसेज होता है और उनका काम यही होता है कि कैसे वो आपको उस पैटर्न से बाहर निकाल दें, कैसे आपको वो मुक्त कर दें, कैसे जो है वो आपको अल्टीमेट फ्रीडम की तरफ वो ले जाए जिसके लिए आपकी गहरे में आपकी जो है प्यास है। सो दिस वॉज माई इंटरप्रिटेशन फॉर यू फॉर दी कार्ड ऑफ चेंज ऑफ ओशो ज़ेन टेम्पल। आशा करता हूँ
कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथ में ये भी आशा करता हूँ आप भी अपनी लाइफ के वो जो डीप पैटर्न जो आपके अंदर बना हुआ है, जिस कंडीशनिंग के साथ जो है आप जकड़े हुए हैं, उसको आप तोड़ सकें और उससे मुक्त होने का काम शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट मंथ। नमस्ते।